हेलो साहब, तिवारी जी के यहाँ से बोल रहा हूँ। अच्छा बताइए। सीए आपके, उन्होंने मेरे को बताया था कि मैं आपको थोड़ा सा फोन करके इन्फॉर्म कर दूंगा। साहब टाइम है आपके पास? करी तो बात ही थी तिवारी जी से मेरी, वो बता रहे थे टीडीएस वगैरह। नहीं, टीडीएस का तो हो गया, टीडीएस का हो गया। मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्म, अभी आपकी बुक देख रहा था मैं, तो तिवारी जी बता रहे थे सीए, वो कह रहे थे कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जी जी बताइए। क्योंकि वो ऐसे ना टैक्स वैक्स का फिर काम फिर लटक गया था सर। नहीं नहीं बताइए। एक सेकंड, 30% टैक्स ये तो पे कर दिया सर हमने आपका, ठीक है सर? जी जी। 10% टीडीएस भी आपका तिवारी जी ने कहा था टीडीएस। हाँ तो ये तो पता ही है, मैंने वो बता दिया उन्होंने। इसके दो ना फायदे बता रहा था इसको मैं आपके। तो सर 30% जो टैक्स कटा है आपका, क्योंकि सर आपका स्लैब जो है वो 12 लाख से ऊपर है, तो 30% टैक्स कटने का फायदा ये है सर, कम से कम कल को इनकम टैक्स का डंडा तो नहीं होगा। और जो सही है, ये 10% टीडीएस भी आपने इसलिए काटा कि कल को आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, है ना? तो सर ये दो फायदे हो गए, मतलब इनकम टैक्स के डंडे से बच गए, दूसरा ये टीडीएस के भी डंडे से बच गए। क्या कहना चाह रहे हो, ये तो मुझे भी पता है। नहीं मैं नहीं, नहीं नहीं, कम से कम इस जिम्मेदारी से बच गए ना। क्या कह रहे हो यार? सर मैं ये कह रहा हूँ, ये देने के बाद आपके ऊपर से जिम्मेदारी हट गई, आप कल को पागल है कि एक ही बात 30% को पकड़ लिया तूने? मेरे को पता नहीं है ये बात। ये तो पता है सर आपको, तो 30% टैक्स दे दिया तो इनकम टैक्स का डंडा आप पे नहीं पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी खत्म, आप बुरा मत मानिए सर। लेकिन इनका डंडा पड़ गया, ये क्या होगा फिर? यार रोजे रमजान में गालियां दिलवाएगा क्या रह गया सर? ये क्या सर, 2.5% ज़कात है, 2.5% ज़कात। साहब मैं माजरत चाहूंगा कि रोजे में मैं आपको ज्यादा बुलवा रहा हूँ, लेकिन ये 30% टैक्स दे दिया आपने, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक उसूल है हिंदुस्तान का कि आप अगर 12 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो 30% टैक्स देंगे, और देने के बाद मुतमईन हो जाते हैं इस बात से कि अब कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ना ही किसी चीज की पेनल्टी पड़ेगी। टीडीएस दे देते हैं आप 10%, साहब 2.5%, वो भी आपकी इनकम पे नहीं, आपकी सेविंग पे, सिर्फ 2.5% ज़कात, जो कि आप नहीं देते हैं। आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि मैं इस चीज के लिए शर्मिंदा करना चाह रहा हूँ आपको, मैं नाम तक नहीं बता रहा हूँ भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इनकम टैक्स नहीं देंगे तो उससे ज़ाती तौर पर किसी एक इंसान को परेशानी नहीं होगी, वो हमारे मुल्क की तरक्की के आड़े आता है। लेकिन अगर ज़कात नहीं देंगे, वो भी सिर्फ 2.5%, कोई ना कोई तो अल्लाह ताला ने आप में ये बात देखी होगी, सलाहियत देखी होगी कि ये एक ऐसा बंदा है मेरा जिसको मैं इतना दूं, इतना नवाजूं, और अल्लाह ताला को पूरी उम्मीद होगी देने से पहले कि ये इंशाल्लाह उस पैसे में से ज़कात निकालेगा और उन लोगों की मदद करेगा जो मुस्तहिक हैं, जो परेशान हैं, और खासतौर से इस महीने में जिस महीने में ज्यादा से ज्यादा निकालना चाहिए। मैं माफी चाहूंगा सबसे पहले कि मैं इस तरह आपको फोन कर रहा हूँ, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ असलम भाई, और इस बात की किना मत रखिएगा दिल में, वो आपसे मोहब्बत ही करते होंगे जिन्होंने ये बताया कि आप उन्हें प्लीज समझाइए कि वो ज़कात दिया करें, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि आपकी आखिरत संभल जाए। फोन मत काटिएगा, मैं छोटी सी बात आपकी इस बच्चे की कराना चाहता हूँ, मैंने फोन पे इनको होल्ड पे रखा हुआ और ये बहुत देर से इंतजार कर रहा है। मैं रेहान, जरा फिर से बताना, तुम्हारी अम्मी ने आज रोजा रखा है? नहीं रखा। रेहान क्यों नहीं रखा रोजा उन्होंने? क्योंकि मेरी अम्मी बीमार है। तो तुम्हारे अब्बू क्यों नहीं इलाज कराते तुम्हारी अम्मी का ताकि वो रोजे रख सकें? मेरे अब्बू के पास पैसे नहीं है। ये जो बच्चा है, इनकी वालदा को कैंसर है, इनकी वालदा रोजे यूं नहीं रख सकती क्योंकि ये बीमार हैं। बीमार इसलिए हैं क्योंकि ये इलाज नहीं करा सकती, इलाज ये इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, पैसे इसलिए नहीं है इनके पास भाई क्योंकि हम ज़कात नहीं देते हैं। बहुत मुमकिन था ये कि हम हॉस्पिटल के बाहर अपनी वालदा के साथ बीमार पड़े होते और हम इंतजार कर रहे होते कि कोई ज़कात दे, और इनके वालिद यहां बैठे होते जहां पे आप हैं, और ये अगर ज़कात ना देते और हम तक ना पहुंचती तो कैसा लगता? आपके माशाल्लाह दो मासूम बहुत प्यारे बच्चे हैं, और मैं ये दुआ करूंगा कि इंशाल्लाह बहुत लंबी उम्र हो उनकी और बहुत तरक्की करें वो। टैक्स नहीं देते हम तो कितना घबरा जाते हैं कि नोटिस आ जाएगा इनकम टैक्स की तरफ से, ज़कात नहीं देते हम तो जिसकी माफी नहीं है और उस नोटिस का कोई बदल नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसको दें, आप जिसको सही समझे, जिसको लगे कि मुस्तहिक है उसको ज़कात दीजिए। जरूर दूंगा, और इस बच्चे को अगर जरूरत हो किसी चीज की तो मुझे जरूरत है। इस बच्चे को अब जरूरत नहीं है, इस बच्चे तक पहुंच गया, लेकिन हमारे ही हिंदुस्तान में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं हमारी ज़कात का। अल्लाह ताला अजर दे आपको इस चीज का, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी, एक जिम्मेदारी आपकी बन जाती है।
ये जो आपने सुना है इस चीज को दूसरों तक पहुंचाइएगा और यकीन मानिए इस बात का कि इतने अच्छे कौम में लोग हैं, इनके दिल इतने अच्छे हैं, कहीं ना कहीं वो या तो भूल जाते हैं या थोड़ा सा मिसगाइड हो जाते हैं। इंशाल्लाह जरूर लोग एक दूसरे की मदद करेंगे और ज़कात निकालेंगे। मैं इंशाल्लाह फिर आपसे बात करूंगा। अल्लाह हाफिज़।